मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि सामने में जो लोग आ रहे हैं सामने से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। भाई लोग भी रिपेयरिंग कर रहे हैं तार को, क्या करेंगे, मौसम ख़राब हो गया है एकदम से, पूरी तरफ से एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। लाइट वाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है गांव में। आप लोग को पता होना ही चाहिए कि गांव में अगर आप लोग रहते हैं कि लाइट का कितना ज़्यादा समस्या जाता है उसको। सैटरडे का गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ अब सब्जी बेचने, देख सकते हैं मेरे पास सामान बहुत सारा है, इधर करेला और इधर बैग में इधर चेज भाजी, इधर भी पूरा पैकिंग है, इधर भी और बहुत सारा सामान मेरे पास आज के डेट में है। और देखते हैं फिर आज के डेट में मेरा सब्जी कैसा बिकता है गांव पे। वैसे कल का सब्जी लाया था और मार्केट में मैं बेचा हूँ, आप लोग देखे ही हैं। अब चलो चलते हैं फेरी की ओर। सबसे फर्स्ट मैं अब मुढ़ाली बेचने के लिए सब्जी आ गया और देखेंगे काफ़ी सारा सामान मेरे पास अभी है और अभी स्टार्टिंग जस्ट हुआ है मुढ़ाली का। तो भैया के यहाँ अभी सब्जी जो है बोनी हुआ है इनके यहाँ, तो चलिए जल्दी से चलते हैं उधर आगे में और जल्दी से बेच कर फिर निकलते हैं आगे। और फार्म को आप लोग देख सकते हैं कि सामने थोड़ी दूर को आप देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बादल जो है जमीन पर उतर गया है, इतना धुंधला छाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा। मतलब देखा जाए तो 200 मीटर 300 मीटर के उस पार जो है दिखाई नहीं दे रहा है एकदम। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुल्हिया मुड़ा का गांव सब्जी बेचने के लिए पहुँच चुका हूँ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज दिन जो है रविवार है और ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि आज का मौसम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, बदली छाया हुआ है दो तीन दिनों से, काफ़ी समय हो चुका है। और इधर अपना ज्वाली के भैया भी अपना दुकान लेकर पहुंच चुके हैं, इनका तो बोहनी भी हो गया, मेरा बोहनी नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कोई निकलते हैं तो। सब्जी टमाटर, इतना जोर से आवाज निकालो अभी तक कोई आया नहीं है, देखते हैं कोई आते हैं तो। यार यहाँ पर कुछ भी सामान बोहनी तक नहीं हुआ भाई, आप लोगों को बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पर ना हमेशा 300-400 का मैं बेचता हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसा मौसम खराब है कि क्या है, कुछ भी नहीं बिका। चलो आगे बढ़ते हैं उधर और देखते हैं उधर बिकता भी कि नहीं बिकता है। और अपने चाचा लोग तो बढ़िया से बैठे हुए हैं, दिन रविवार है और आज मैं मार्केट लगा चुका हूँ। और आप लोगों को बताना चाहूँगा सरसरी तौर पर कि संडे को जो मैं सामान, सॉरी फ्राइडे को जो मैं सामान लेकर आया था, फ्राइडे को मस्त बेचा, उसके बाद में बारिश हो गई, आप लोग पिछले वीडियो में देखा है। और सैटरडे को यानी कि कल के डेट में दिन भर बारिश हुआ, इसलिए मैं सब्जी बेचने नहीं जा पाया। सुबह फेरी गया था, फेरी में बेचा, उसके बाद में शाम को मार्केट नहीं जा पाया। और आज डायरेक्टली मैं सुबह फेरी गया था, उसके बाद में अभी मार्केट लगाया हूँ और वही सामान मेरा बचा हुआ है जो फ्राइडे को लेकर आया था। तो आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, इस तरह से मिर्ची को ढेरी लगाया हूँ मैं और इधर करेली बाकी है करीब करीब 15 kg के आसपास में, भिंडी भी बाकी 15 kg के आसपास में, बैंगन, इधर चेज भाजी, इस तरह से थोड़ा बहुत आज के डेट में सामान बाकी है। टमाटर नहीं लिया हूँ कितने जगह पर दिखा रहा हूँ, काफ़ी समय हो चुका है, तो ग्राहक भाई आ गया। सुना यार दोस्त का दो मिर्ची उठा ले ढेरी, इस तरह से वो भाई ग्राहक आ गया। और इधर का मार्केट का माहौल देखेंगे तो इधर भी अभी ग्राहक का आना जाना चालू हो गया है। तो आपको फाइनली मैं बताता हूँ कि मतलब शुक्रवार का जो सामान था उसमें मैं अभी संडे को बेच रहा हूँ तो कितना कमाऊँगा उसको। वैसे तो मैं अब कुछ कमा चुका हूँ, ये भी प्रॉफिट ही है। 7 बज चुका है और मार्केट जो है अब लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मार्केट में ना ग्राहक लोग तो दिखाई दिए ही नहीं, क्योंकि आज बारात आया हुआ था ना बगल में, तो शायद सभी लोग वही व्यस्त रहे होंगे। और सामान क्या बताया आपको, 30 रुपये करेली, 30 रुपये भिंडी बेच रहा हूँ फिर भी नहीं बिक रहा है, ये हालत है बाजार का। अब देखिए 30 रुपये किलो भिंडी करेला, 30 रुपये किलो चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं फिर भी नहीं बिक रहा है। और भीड़ इतना ज़्यादा इसलिए लगा है, ये सब बाराती लोग आए हैं ना इसलिए। तो चलो देखते हैं मार्केट और कब तक चलता है उसको। तो लगभग 8 बजने वाला है और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज फिर वही सब्जी फिर बच गया और ये मेरा गाड़ी जो है पैक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। और मार्केट का माहौल बताऊं आप लोगों को, तो बहुत ही बेकार था, सब्जी मतलब किसी का नहीं बिका है। आप लोग देखेंगे तो इधर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो
देखेंगे इधर भी सामान बहुत बचा है यार सभी लोगों के पास में। आज का डेट में ना मार्केट जो है बिल्कुल भी नहीं चला है, मेरे पास काफी सामान बच चुका है। अब आप लोग क्या बताऊँ, कल फिर फेरी जाऊंगा उसके बाद में देखते हैं। कल तो खैर समाप्त करना ही है। 30 रुपये करेला भिंडी मैं बेच रहा था, उसके बावजूद भी मतलब मार्केट का ये हाल था कि बिका नहीं सामान। और बगल में शादी हो रहा है, लाइट जल रहा है वहाँ पर ना, इस नाम से शायद और मेहमान लोग आए हैं उधर, तो नहीं बिक पाया। तो चले ठीक है, फिर रखते हैं और मिलते हैं फिर कल के डेट में फेरी पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मंडे का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ फिर से आज सब्जी बेचने के लिए फेरी, और मौसम का हाल चाल आप लोग को क्या बताऊँ, आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा, चारों तरफ बदली छाया हुआ है, कोहरा इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। मेरा फ्राइडे का सामान है क्योंकि मैं कल संडे को बेच रहा था और मौसम के नाम से बिक नहीं पाया, और तो फिर जो बचा हुआ है उसको लेकर मैं मुढ़ाली बेचने के लिए जा रहा हूँ, और देखते हैं कितना जल्दी बिकता है उसको। तो देर ना करते हुए चलो आगे की तरफ चलते हैं। मैं रमेश भैया भी बेचने के लिए पहुँच गया है, दोनों जने मिल गए हैं, मार्केट तो चला नहीं, तो अब भाई चलते हैं फेरी के लिए। अब भैया का रास्ता इधर बेगाँव तरफ है, मेरा इधर मुढ़ाली की तरफ, तो चलो जल्दी से चलते हैं। बारिश बारिश में दोनों जने देखा तो नदियाँ हाँ बहुत ज़्यादा नदी में बारिश आ गया, सच में गाँव का नदी जो छोटा छोटा नाला का। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि सामने में जो लोग आ रहे हैं सामने से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इधर देखिए खंभा का भी तार टूट गया है, फिर भी इधर चारों तरफ मतलब देखा जाए ना तो धुंधला बरसा हुआ है, जरूरत से ज़्यादा मतलब अंधेरा छाया हुआ है, दिखाई दे ही नहीं रहा है, एकदम नज़दीक पहुँचने पर ही दे रहा है। इधर भी तार का खंभा टूटा हुआ है, भाई लोग भी रिपेयरिंग कर रहे हैं तार को, क्या करेंगे, मौसम ख़राब हो गया है एकदम से, पूरी तरफ से एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। लाइट वाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है गांव में, आप लोग को पता होना ही चाहिए कि गांव में अगर आप लोग रहते कि लाइट का कितना ज़्यादा समस्या जाता है उसको। चलो देर न करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी मुढ़ाली सब्जी बेचने के लिए, और ये पहला बोहनी भैया के द्वारा हो रहा है भिंडी की छटिंग। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि मौसम ख़राब है ना, तो एकदम से कम रेट में भिंडी को फेरी में दे रहा हूँ, टीम कर रहे हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि सामान मेरा जो है कितना बचता है उसको।